जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। विधायक रफीक खान अपने घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ में मारपीट की। सरद थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि हमलावर की पहचान विकास जाकड़ के रूप में हुई है। वे भागते हुए आए और विधायक रफीक खान को पकड़कर मारपीट करने पर उतर हो गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद में उसे पकड़ लिया गया है। हमलावर सीआरपीएफ का पूर्व जवान है। बताया जा रहा है कि इस दौरान युवक ने विधायक की छाती पर एक मुक्का भी मारा है। वहां मौजूद खान के समर्थकों ने तुरंत पकड़कर हमलावर की भी पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार एक महिला स्वास्थ्य कर्मी का पति विधायक रफीक खान के आवास पर पहुंचा था। वह अपने सम से बताना चाहता था, लेकिन विधायक के सुनवाई नहीं करने पर नाराज होकर उन्होंने हमला किया है।